नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रसन्न सीपीएम और त्रिपुरा वोट। पश्चिम बंगाल में सीपीएम के एक समय 36 सांसद थे, अब शून्य हम सभा में 230 हैं, वे 30 हैं, अब कोई नहीं है। त्रिपुरा में भी ऐसा ही हुआ, केरल की टीम है और वहां भी ऐसा ही होगा। यदि वे भारतीय व्यवस्था और जीवन पद्धति के बिना राजनीति करेंगे तो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सीपीएम त्रिपुरा में भी सभी से हाथ मिला सकती है, उनकी स्थिति वैसी ही रहेगी। अभिषेक ने मुद्दे पर अभिषेक को फोन किया तो अभिषेक खड़े होकर नॉमिनेशन सिस्टम को आश्वस्त करेंगे। अभिषेक, त्रिपुरा जाकर ऐसा मत कहो, पीसी भतीजा रुपयों की थैली लेकर त्रिपुरा असम गोवा घूमा, विधायक सांसद एक पंचायत भी नहीं जीत सके, त्रिपुरा की जनता झामा झेलेगी, ये डायलॉग मत देना। जिस दिन पुलिस और गुंडे निकलेंगे उस दिन लोग अपने कपड़े और पैंट उतार कर सड़कों पर आ जाएंगे, दिलीप का व्यंग है। एक डाके अभिषेक, इन्हीं डीपी टेल दीदी में दीदी से बात हो पाई है। दिलीप का उल्टा सवाल, मुझे जंगल महल और उत्तरी बंगाल में कुछ भी नहीं मिला, इसलिए अलग होना चाहते हैं। दिलीप के साथ बैड गवर्नेंस की वजह से ऐसा हुआ है, पश्चिम बंगाल का नाम अब कटमनी की जगह हो गया है। दीदी को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना चाहिए, जो लोग कहते थे कि मोदी को देश को बचाना चाहिए वे अब चले गए हैं। अब अमर्त्य सेन का सर्टिफिकेट लेना होगा, जिस आदमी की कोई इज्जत नहीं करता, कोई नहीं सड़ता, वे विश्व भारती की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, यानी चोर चोर मस्तूतों भाई, सारे जमीन चोर एक हो गए हैं। अमर्त्य सेन ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसने उस जमीन का काम दिखाया, उन्होंने खुद जमीन पर कब्जा कर लिया और विश्व भारती के कुलपति आंखें मूंद रहे हैं। दिलीप का टैग, केंद्रीय दल की जांच, हमने केंद्र सरकार से शिकायत की है और केंद्र सरकार लूट की जांच कर रही है। केंद्रीय भाजपा उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने मालदा जिला भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की।